Hello student, I am Silpa Raghav. Today we are going to discuss about reproduction in plants. We talk about reproduction. What is reproduction? The process of producing new individuals from its parents is called reproduction. Plant reproduction is the process by which plants generate new individuals or offsprings. रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब न्यू इंडिविजुअल्स जनरेट होता है पेरेंट्स से, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेम जब प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है? जब पेरेंट्स प्लांट से न्यू प्लांट जनरेट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लांट रिप्रोडक्शन. तो ऑब्वियसली क्या हो गया रिप्रोडक्शन? जब पेरेंट्स से न्यू बेबी बॉर्न होता है या पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट जनरेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. वी कैन स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन टू पार्ट्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, तो अब जो स्टडी करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, वो टू पार्ट्स में करेंगे. रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सीड्स के थ्रू और रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अदर पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ के थ्रू. ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स में हम क्या करते हैं? प्लांट्स दैट बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. जो प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फ्लावर जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं? फ्रूट्स में. और फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं? सीड्स. सो वी कैन से दैट द फ्लावर्स आर द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स. इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. किसके? फ्लावरिंग प्लांट्स के. अब हम बात करेंगे, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको कॉमन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स के, लाइक सेपल. ये क्या है? ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. पेटल, इट्स अ कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टैमिन, इट्स अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. पिस्टिल, इट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, इट्स अ पेडिसिल. ओके, दैट इज रिसेप्टिकल. ये क्या है? फ्लावर के पार्ट्स हैं. इन्हीं की डिटेल स्टडी हम करेंगे अपनी वीडियो में. अभी हमने सारे पार्ट्स फ्लावर में देखे थे. कौन कौन से पार्ट्स थे हमारे फ्लावर के? सेपल्स, पेटल्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सेपल्स क्या था? ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. पेटल्स कौन सा था? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था? आपका स्टेमिन. स्टेमिन क्या कंसिस्ट कर रहा था? एंथर एंड फिलामेंट. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? पिस्टिल. पिस्टिल कंसिस्ट आल्सो थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फ्लावर्स के सभी पार्ट्स को अब हम डिटेल में देखेंगे. द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टैमिन एंड पिस्टिल. सेपल्स कौन सा पार्ट है आपका? ग्रीन पार्ट. दिस इज द सेपल. सेपल लुक लाइक ग्रीन लीव्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर. दे प्रोटेक्ट बड. ये किसको? बड को प्रोटेक्ट करता है. ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक लगता है एंड देन बड को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है हमारा पार्ट पेटल्स. पेटल्स कौन सा पार्ट होता है? जो कलरफुल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का. दे मेक फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल. इससे फ्लावर कैसा दिखाई देता है? बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है. दे हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. ये किसके लिए हेल्प करता है? पॉलिनेशन में हेल्प करता है. पेटल्स के बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टैमिन. दिस इज अ स्टैमिन. स्टैमिन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट विद बैग लाइक हेड कॉल्ड एंथर. द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पिस्टिल. पिस्टिल में आपका क्या होता है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट थ्री पार्ट. फर्स्ट वन स्वेलन बेस कॉल्ड ओवरी. द ओवरी कंटेन्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स. अ स्टॉक अराइजेज फ्रॉम द ओवरी एंड इज कॉल्ड स्टाइल. द स्टाइल एंड
एट द स्टिग्मा एट द टॉप। ओके, तो हमारी ये पार्ट्स है किसके, पिस्टल के। पिस्टल में आपने देखा थ्री पार्ट्स कंसिस्ट करता है, कौन कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे जो टॉप वाला होता है स्टाइल के टॉप पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पर ही आके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिक होते हैं। ओके, देन एंटर होते हैं और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टाइल क्या है, ये आपको लॉन्ग स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। ये है आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको शो हो रहे हैं, ये ओव्यूल्स कहलाते हैं। ओके, और जो ओव्यूल्स होता है इसकी सिंगल यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। आपको मैंने फ्लावर में बताया था जो उसका नीचे वाला जो स्वेलन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। फ्लावर इज अटैच टू द स्टॉक कॉल्ड ओके, जैसा कि मैंने अभी सारे पार्ट्स को डिटेल में बताया, अब फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है हमारा फ्लावर का। फ्लावर में आप देख सकते हैं ये ग्रीन पार्ट है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन पार्ट शो हो रहा है वो क्या कहलाता है, सेपल। जो कलरफुल पार्ट है वो क्या कहलाता है, पेटल। जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट्स को, ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड स्टैमेन। इट कंसिस्ट फ्लामेंट, दिस इज कॉल्ड फ्लामेंट। लॉन्ग स्टॉक शो हो रहा है, ये है आपका फ्लामेंट। एंड ये आपको जो बैक लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है फ्लामेंट के अवब पर, तो वो क्या कहलाता है आपका, एंथर। ये क्या, यही एंथर है जो कंसिस्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को। ओके, नेक्स्ट है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, इट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है आपका टॉप पोर्शन, ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग स्टॉक। इट्स स्टाइल, आप जो स्वेलन पार्ट शो कर रहे हैं ये क्या है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी कहलाता है, और ओवरी कंसिस्ट करती है ओव्यूल्स को। किसको कंसिस्ट करती है, ओव्यूल्स को। तो ये सभी हमारे फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अभी मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में इसीलिए बताया था क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में ही होता है। जब आपको फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब हम बात कर रहे हैं जो अधिकतर हमारी प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो थ्रू सीड्स होता है। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स को हम शो करेंगे और देखेंगे इस लाइफ साइकिल के थ्रू। फर्स्ट है हमारा एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर। जो आपका एडल्ट प्लांट है इसमें क्या होते हैं, एडल्ट प्लांट बियर करता है फ्लावर्स को। फ्लावर है मेल एंड फीमेल पार्ट, और जो फ्लावर होता है उसको अभी आप मैंने बताया था आपको, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टैमेन, और फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पिस्टिल। जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट कंटेन स्मॉल ग्रेन्स ऑफ पोलन। जो मेल पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि मेल पार्ट होता है वो कौन सा मेल पार्ट, एंथर ऑफ फ्लामेंट्स थे, एंथर के अंदर क्या था, पोलन ग्रेन्स। तो ये मेल पार्ट क्या कंसिस्ट करता है, पोलन ग्रेन्स को। द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर होते हैं या तो सेम फ्लावर, जो फ्लावर था उसी का मेल और उसी का फीमेल, जो मेल के पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पर जाते हैं, या फिर अदर फ्लावर पर, अदर फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाते हैं, तो वो प्रोसेस जो होती है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू ऑल। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन द पेटल्स एंड स्टेमेंस फॉल ऑफ। पॉलिनेशन के बाद जो पेटल्स और स्टेमेंस होते हैं वो गिरने लगते हैं। द ओवरी स्वेल अप, ओवरी स्वेल अप करने लगती है। एंड चेंजिंग इन टू फ्रूट्स, और किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में। एंड ओव्यूल्स चेंज इन टू सीड्स, और ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, सीड्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। दीज सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स,
ये जो सीड्स होती हैं वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से क्या सो हुआ, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। इस तरीके से एक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल चलती है। अब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू जरा शो करना चाहूंगी जो भी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई कि जो प्लांट्स होते हैं, एडल्ट प्लांट है वो फ्लावर बियर करेगा। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं और मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं वो मेल पार्ट्स क्या करते हैं, उनमें से जो मेल पार्ट होता है उसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं। और वो पोलन ग्रेन्स कहाँ से, एंथर, एंथर में क्या होता है पोलन ग्रेन्स, वो कहाँ जाते हैं स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं। देन ओव्यूल्स तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करते हैं। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और जो प्लांट्स फ्रूट्स हैं उसमें क्या रहता है, सीड्स आ जाते हैं। और वही सीड्स को जब आप प्लांट करोगे तब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और न्यू प्लांट्स जर्मिनेट, न्यू प्लांट्स डेवलप होगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन की, कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे, हमको मोटिवेट करता है, हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ाता है। इसलिए मेरे वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सो थैंक यू सो मच। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। हैव अ नाइस डे।